हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फीलिंग्स। मैं एक आम इंडियन सिटीज़न हूँ जिसकी फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं करता। वही फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अगर बुरा लगे तो कमेंट में बताना ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तो चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं। आज मैं एक ऐसी वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ जो हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा। इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाने का जो पुरजोर कोशिश चल रहा है उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट का वीडियो वायरल हो गया, जहाँ उन्होंने भारत के CJI जिनका नाम शायद चंद्रचूड़ बोल के कुछ है, उनकी आलोचना की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Honorable my lords, this is not contempt. ये ट्रोलिंग भी नहीं है, इरादा ये क्लिप का आपका कंटेम्प्ट करने का भी नहीं है। So don't take it otherwise. जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी ये जो सेम सेक्स मैरिज का जो केस चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें बनाया, इतनी इमरजेंसी और इतनी अर्जेंसी क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल माई लॉर्ड्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, सवाल ही नहीं आता है। आपकी हम लोग इज्जत करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सवाल पूछ रहा है आपने ये जो बेंच बनाया 5 जज बेंचेस का, क्या ये सही है कि 5 में से 3 या 4 जो जजेस है वो क्लासमेट है, बैचमेट्स है लॉ कॉलेज के? ये बताइए आप। सेकेंडली, इस जैसे आप हमें आप जो अभी जो हियरिंग चल रहा था उसमें बताया था कि मैन एंड वुमेन इज नॉट एन एब्सोल्यूट कंसेप्ट, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू जेनिटल्स, इट इज मोर देन दैट। आपने देखो आप ये बहुत सारे जो कमेंट करते हो ड्यूरिंग द हियरिंग, इट इज क्रिएटिंग हैवॉक अक्रॉस द कंट्री। आप जब भी बोलते हो कि जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर जो भी लोग बैठे हैं दे शुड मेक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जो लोग बैठे हैं दे शुड मेक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। तो सर जी आप भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हो, तो यू डोंट यू थिंक यू शुड बी केयरफुल वाइल यू मेक एनी स्टेटमेंट्स और कमेंट्री ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, या फिर आप जब भी मीडिया कॉन्क्लेव में जाते हो? In fact, it should not be. You should be avoiding attending the media conclaves and journalist question answer. Anyway, वो topic नहीं है। तो आपने ये जो statement कहा, तो you should identify yourself, sir. आप लोगों ने identify करना चाहिए कि whether you are Mr, you are Mrs, you are Miss, you are she, he, या you are female या she-male, जो भी है, you should identify yourself, sir. अगर आप इसमें हैं, तो why you should identify yourself? Because there should not be any conflict of interest. जैसे मैंने बताया 3 या 4 लोग क्लासमेट्स थे। See, nothing wrong in being classmates on the same bench, but what you have done is you have constituted a constitutional bench और आपने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इसका वर्डिक्ट क्या होने वाला है। आप चाहते हैं कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें मैन एंड वुमेन की जगह पे आप पर्सन रिप्लेस करना चाहते हैं। यू वॉन्टेड टू रिप्लेस द वर्ड्स मैन एंड वुमेन विथ पर्सन। यू वॉन्ट टू ट्वीक द स्पेशल मैरिज एक्ट। आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में यू वांट टू राइट इट डाउन या रीड इट डाउन, ऐसे आपको ये जो कन्वीनियंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यू वांट टू रीड इट डाउन, यू वांट टू राइट इट डाउन, इट इज नथिंग बट यू वांट टू चेंज द स्पेशल मैरिज एक्ट। आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंज करना चाहते हो, आप बदलाव करना चाहते हो, वो आपका काम नहीं है सर। दैट इज एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वर्क हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी एंड ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड। आप लोग जानते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए बना है। टू मेक द लॉज, टू अमेंड द लॉज, टू स्क्रैप द लॉज, वो उनका हक है। तो सर जी आप ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, यू आर बाईपासिंग द पार्लियामेंट एंड यू वांट टू मेक द चेंजेस इन स्पेशल मैरिज एक्ट। ये आपका काम नहीं है सर। इनफैक्ट यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये ट्रोलिंग नहीं है, आप हमेशा बोलते हैं आपको ट्रोल किया जाता है, ये ट्रोलिंग नहीं है सर। द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर फेड अप विद ऑल योर नॉनसेंस कमेंट्री। आप इतने इंपॉर्टेंट हियरिंग में बकवास कमेंट्री करते हो। वो नूपुर शर्मा के बारे में भी ऐसा हुआ था, कोई वो जस्टिस ने कुछ कमेंट कर दिया था, लंबा चौड़ा भाषण देके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। वो एक कोई महाराष्ट्र का केस था, बार डांस बार का, उसमें भी आपने कमेंट किया था दैट डांस बार विदाउट लिक्वर इज एब्सर्ड। ये क्या बकवास कमेंट्री करते हो सर। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, तो हमको भी तो है। तो हम लोग कुछ बोलते हो तो व्हाई यू ट्रीट एज कंटेम्प्ट या ट्रोलिंग सर। आप जजेस हो, ऑनरेबल जस्टिस हो, योर वर्क एंड योर जुरिस्डिक्शन इज टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखना आपका काम है। योर जॉब इज नॉट टू मेक लॉज, योर जॉब इज नॉट टू अमेंड द एक्ट्स पास बाय द पार्लियामेंट। वो कॉलेजियम बोर्ड भी ऐसा कर दिया, 5 जजों का जो कॉलेजियम क्लब है, दे यू डिसाइड। जैसे वो आपके पिताजी ने वो कृपाल को, B.N. कृपाल को जज बनाया था, फिर B.N. कृपाल ने आपको जज बनाया, और अभी आप वो S.N. कृपाल वो एलिजिबली गे है, उसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो, ठीक है, वो आपका हक है, लेकिन दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर। मेंशनिंग के टाइम में भी आप बायस दिखाते हो। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है विकास सिंह, उसको आपने गेट आउट बोल दिया था, आप इतने एंग्री हो गए थे, यू बिकेम सो एंग्री। ठीक है, आपका कोर्ट है सर, यू आर द माय लॉर्ड, लेकिन ये डिक्टोटोरियल टेंडेंसीज आपको कंट्रोल करना चाहिए सर। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो आप क्या करेंगे? लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये तो डिक्टेटर हो गए, और आपको ये आजादी है टू बिकम अ डिक्टेटर एंड मेक ऑल दिस नॉनसेंस स्टेटमेंट सर। एनीवे सर, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको चेंजेस करने का कोई हक नहीं है सर। आप बोलेंगे हम लोग रीड डाउन कर रहे हैं, हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो एक बहाना है। यू आर चेंजिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट by replacing the word men and women with person. ये आपका काम नहीं है सर। यू आर इम्पैक्टिंग द एंटायर कंट्री। ओनली 5 ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल्स डोंट हैव एनी राइट टू चेंज द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। क्या आप सिर्फ 5 गिने चुने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंट जजेस हैव द राइट टू मेक चेंजेस इन द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटायर कंट्री? सर आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आप गेइश है, आपको गे पसंद है, आपको लेस्बियन पसंद है, आपको एलजीबीटी पसंद है, वो आपका हक है, हम लोग उसको नकारते नहीं है। बट यू आर सिटिंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विथ 5 सिलेक्टेड पीपल। यू सिलेक्टेड दोस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें 3 या 4 आपके क्लासमेट है। यू शुड बी रिक्यूजिंग फ्रॉम दिस बेंच सर, आपको कोई हक नहीं है। और महाराष्ट्र पोलिटिकल क्राइसिस के टाइम पे भी, केस के टाइम पे भी आपने ऐसे ही किया था, बकवासगिरी 15 मिनट पोलिटिकल कमेंट्री किया था। आपने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बात करने को नहीं दिया, एक सेंटेंस बोलने को नहीं दिया, बकवास कमेंट्री करते हो आप सर। तो यू आर सिटिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सर। आप दूसरे को सिखाते हो ना कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है उन्होंने जिम्मेदारी से स्टेटमेंट या बातचीत करनी चाहिए, तो वो रूल आपको भी लागू होता है सर। तो एनीवे, आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस क्लिप। ऑनरेबल जस्टिस, दिस इज नॉट ट्रोलिंग, दिस इज नॉट कंटेम्प्ट, नो, वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू, लेकिन वो आपका अधिकार नहीं है। आप 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप बैठ के डिसाइड कर रहे हो कि भाई टॉयलेट गेस के लिए, अरे क्या बात कर रहे हो सर? तो क्या इसका मतलब आदमी लोग भी औरत के लोग के टॉयलेट में जा सकते? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट सर। यू हैव नो राइट इन द वर्ल्ड टू अमेंड एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, नॉट टू मेक एनी चेंजेस इन द एक्ट। यू आर देयर टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट चेंज द एक्ट पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर आपको पहले आइडेंटिफाई करो, यू शुड आइडेंटिफाई योर सेल्फ, वेदर यू आर मिस्टर, यू आर मिसेस, यू आर शीमेल, यू आर हीमेल, जो भी है आप आइडेंटिफाई करो। और अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यू शुड रिक्यूज फ्रॉम दिस। आपको गे पसंद है, आपको लिस्बियन पसंद है, वो आपका हक है, बट डोंट इम्पोज योर व्यूज, डोंट इम्पोज योर आइडियाज एंड योर फिलोसफीज ऑन द एंटायर कंट्री। आप जिस तरह से हियरिंग कर रहे हो, आप तो प्री डिसाइडेड हो सर, आप तो प्री डिसाइडेड हो कि आपको ये पास करना ही करना है। यू आर जस्ट पासिंग टू द मोशन एंड पासिंग टू फॉर्मेलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस सर, आपको पता है। सारे स्टेट्स का जितने 26-27 स्टेट्स है उनके असेंबलीज का 2/3 मेजोरिटी पास करना पड़ता है, और यहाँ पे आप बैठ के 5 लोग यू आर डिसाइडिंग द फेट ऑफ दिस कंट्री। दैट्स वाई वी आर आउटरेज, इसलिए हम लोग गुस्से में। वी आर फेड अप ऑफ योर नॉनसेंस रबिश, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री इन द कोर्ट। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, जो भी है, पता नहीं भाई ये जुडिशरी किसको अकाउंटेबल है सर? माय लॉर्ड ऑनरेबल चीफ जस्टिस, हु आर यू अकाउंटेबल टू? यू आर अकाउंटेबल टू नन। आप किसको भी अकाउंटेबल नहीं हो। तो समझ में नहीं आता ये सवाल किसको किया जाए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लॉ मिनिस्टर को, किसको, पार्लियामेंट को, कि भैया ये जुडिशरी को अकाउंटेबल कौन करे? बाय द वे दे आर डूइंग रबिश नॉनसेंस। कोई भी पीआर लग जाता है और अब आप उसको अर्जेंसी ले लेते हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केस पेंडिंग इन द कोर्ट्स एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी एंड एफर्ट्स। और आप बोल रहे हो 2 महीने में इसका निकाल करेंगे, अयोध्या का जैसा केस चला था वैसा आप करेंगे। यू शुड रिक्यूज फ्रॉम दिस केस सर, ऑनरेबल चीफ जी है। और आपके जितने वो 3 या 4 जो भी आपके कॉलेज मेट या स्कूल जो लॉ कॉलेज के मेट है, दे शुड बी रिक्यूजिंग फ्रॉम दिस केस। इनफैक्ट यू शुड नॉट बी हियरिंग दिस केस। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यू आर बाईपासिंग पार्लियामेंट बाय मेकिंग चेंजेस इन द स्पेशल मैरिज एक्ट। दिस इज टोटली रॉन्ग, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। थैंक यू। तो वीडियो आप लोगों ने देखा, मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कौन जाने, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मुझे जेल जाना पड़े। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, आप लोग सोचिए समझिए क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ एक आम आदमी का जो सोच है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये आदमी ने जो कहा एकदम सही बात कहा है। आई सपोर्ट दिस मैन बट आई डोंट कॉमेंट एनीथिंग। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताना, और एक बार वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और बुरा लगे तो आप लोग जानते ही हैं कमेंट करके बताना है।